भगवान श्री कृष्ण के 5251वें जन्मोत्सव की तैयारी कान्हा की जन्मभूमि मथुरा सहित ब्रज में जोरों से हो रही है। मथुरा को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। मथुरा एवं वृंदावन के प्रमुख मंदिर और घाटों को सजाने के साथ ही दीपदान होगा और रंगोली सजाई जाएगी। मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान बांके बिहारी मंदिर सहित प्रमुख मंदिरों को रंग बिरंगी विद्युत झालरों और फसाद लाइट से सजाया जाने लगा है। 25 की शाम को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पांचजन्य ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 3 दिवसीय समारोह का शुभारंभ करेंगे। 25 से 27 अगस्त तक 3 दिन मथुरा वृंदावन में सहित आसपास के धार्मिक स्थलों पर कान्हा के जन्म का उल्लास छाएगा। इसी बीच 26 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर में नीला मंचन के साथ भगवान कृष्ण का महाभिषेक होगा। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद नगर निगम द्वारा शहर के तिराहों और चौराहों को धार्मिक स्वरूप प्रदान करने के साथ ही सजाया सवारा जा रहा है। विभिन्न राज्यों से लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालु ब्रज संस्कृति में सरोवर होंगे। इतना ही नहीं, कन्हैया के जन्मोत्सव में ब्रज संस्कृति के साथ आसपास के देश के राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा सहित राज्यों की लोक कलाओं की झलक भी दिखाई देगी। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारी के संबंध में बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सभागार में मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एसबी सिंह की अध्यक्षता में बैठक की गई। इसमें उन्होंने जेई और एई को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया है कि भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की देश भर में लाखों श्रद्धालु आएंगे। यहाँ के तिराहे, चौराहे, मार्ग और छोटी छोटी गलियों को देखकर भी आराध्य के जन्मोत्सव की अनुभूति होनी चाहिए। विश्राम घाट को 5251 दीपों से रोशन किया जाएगा। वहीं पर रंगोली भी बनाई जाएगी। ब्रज के प्रमुख मंदिरों को प्रबंधकों और सेवायतों द्वारा सजाया जाएगा। इस संबंध में उनसे बात हो गई है। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण और मथुरा वृंदावन नगर निगम ब्रज को सजाने में अपनी भूमिका प्रदान करेगी। बैठक में MBDA के सचिव अरविंद कुमार द्विवेदी, OSD प्रसून द्विवेदी, XEN प्रशांत गौतम एवं AEJE आदि मौजूद रहे।